नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए हम इस वीडियो में केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS की तरफ से जो कि बहुत ही बड़ा रिक्रूटमेंट आया है, आप सब लोगों को पता होगा, जो कि 13,400 पोस्ट नॉन टीचिंग एंड टीचिंग स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट आया है। तो आइए हम उसी रिक्रूटमेंट का फुल ऑनलाइन प्रोसेस देखेंगे इस वीडियो में। तो चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशन रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। इस अप्लाई प्रोसेस का सारा इंपोर्टेंट लिंक्स एंड इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का PDF सब कुछ हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन को विजिट कीजिए। तो उसके लिए आपको कोई भी एक क्रोम ब्राउज़र पे चले जाना होगा एंड क्रोम ब्राउज़र पे जाके आपको डेस्कटॉप साइट ऑन कर लेना होगा। फिर उसके बाद KVS सर्च कर लेना, KVS सर्च करने के बाद देख सकते हैं पहले साइट जो कि kvs.nice.in पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास इंटरफेस ओपन होगा, देख सकते हैं क्लिक हियर अप्लाई फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो यहाँ पे आपको इस पॉपअप पे क्लिक कर देना है एंड इस पेज का डायरेक्ट लिंक के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए। तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है इसी पॉपअप पे एंड क्लिक करने के बाद एक PDF ओपन होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे PDF को ओपन कर लेना है आपको। PDF ओपन करने के बाद देख सकते हैं टू अप्लाई फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, यहाँ पे 3 लिंक देखने को मिलेगा। पहले जो कि ब्लू कलर में आपका क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड सेकेंड लिंक आपको देखने को मिलेगा क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर, यहाँ पे ग्रेजुएट TGT के लिए, यहाँ पे PGT के लिए। एंड अगर आपको यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई करना है तो नीचे वाला लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। तो हमें नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई प्रोसेस सबके लिए सेम ही है, सबके लिए एक ही अप्लाई प्रोसेस है। तो उसके लिए वीडियो को अंत तक देखिए, सिर्फ एप्लीकेशन फीस ही अलग अलग पेमेंट करना होगा। फिर कुछ इस तरह से एक वेबसाइट को आपको रिडायरेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्टर, यहाँ पे क्लिक कर लेना है न्यू रजिस्टर के ऊपर। तो न्यू रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद तो आपको 3 स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। पहला स्टेप रहेगा रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस एंड फिर उसके बाद फीस पेमेंट रहेगा। तो पहला स्टेप हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, फिर उसके बाद फीस पेमेंट करेंगे। तो देख सकते हैं तो सबसे पहले नीचे आ जाना है आपको। नीचे आने के बाद आपको क्लिक हियर टू प्रोसेस के ऊपर क्लिक कर लेना है, टिक। फिर उसके बाद देख सकते हैं कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, तो ये सब फिलअप करके मैं नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं मैं सब कुछ फिलअप करके सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह से एक पॉपअप शो होगा, रिव्यू पेज। यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है इस पॉपअप को, क्लोज के ऊपर क्लिक कर लेना है एंड पॉपअप क्लोज करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल्स नीचे आने पर, मेरा डिटेल्स मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो नीचे आने पर कुछ इस तरह से अकाउंट डिटेल्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको फिर सभी के ऊपर क्लिक कर लेना है, माई नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड कर लेना है। तो वेरीफाइड करने के बाद आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सबमिट के ऊपर एंड यस के ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद अपने मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर का OTP डाल लेना है। तो मैं डाल के नेक्स्ट प्रोसेस दिखाता हूँ। फिर देख सकते हैं कुछ इस तरह से लॉग इन होके डैशबोर्ड शो होगा कुछ इस तरह से। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर चुका हूँ, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा, फिर उसके बाद फीस पेमेंट कंप्लीट करना होगा, तभी जाके मेरा एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपका कंप्लीट दिखा रहा है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में इनकम्प्लीट। तो ये दोनों को मुझे कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे नीचे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके मैं अगला स्टेप आगे बढ़ सकता हूँ। तो आशा करता हूँ उसके बाद आप सारा स्टेप खुद कर लेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे एजुकेशन रिलेटेड अपडेट एंड जॉब अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।